हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, उस देश में और हमारे देश भारत में आजकल बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोनों देशों का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है भाई चाइना। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, उस देश की खूबसूरती के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये देश छोटा जरूर है, लेकिन यहां के लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं। दोस्तों, इस देश में आपको कोई भी किसी काम के लिए नो नहीं बोलेगा। यहां अगर काम नहीं भी करना होता है तो ये मे भी बोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एशिया के ही एक और देश की, जिसका नाम है ताइवान। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो कि ताइवान के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हाल हमारे देश का इस समय चाइना के साथ, उससे भी बुरा हाल और रिश्ता है ताइवान का चीन के साथ। जी हाँ दोस्तों, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे भी हांगकांग की तरह वन नेशन टू सिस्टम्स के तहत अपने साथ रखना चाहता है, जबकि ताइवान किसी भी हाल में चीन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इतने गद्दार देश के साथ कौन रहना चाहेगा भाई? दोस्तों, ताइवान की कुल जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ है। हमने कहा था ना, देश छोटा सा है लेकिन लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं। दोस्तों, कई बार चीन जैसे बड़े और देश ने इन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन ये है कि चीन की एक नहीं सुनते और आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ताइवान देश के लोगों की एक आदत पूरी दुनिया में मशहूर है। जानते हैं वो कौन सी आदत है? दोस्तों, यहाँ का हर इंसान अपने घर का कूड़ा खुद ही बाहर ट्रक में डालने जाता है। यहाँ आपके घर पर आकर कोई कूड़ा नहीं उठाता, एक ट्रक आती है मॉर्निंग में और आपको खुद ही जाके कूड़ा रखना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान की कुल जनसंख्या में 84% ताइवानी लोग हैं, जबकि 14% चीन के और 2% इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो 14% चीनी लोग ताइवान में रहते हैं, वो भी इसी देश के साथ रहना चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते कि ताइवान पे कभी चीन का राज हो। देश में लगभग 90% लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं और 10% लोग अन्य धर्मों का पालन करते हैं। ताइवान देश को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। हालांकि भाई, इस देश की खूबसूरती के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग साफ सफाई को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि पूरा का पूरा देश ही आपको चमकता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ताइवान देश को 1590 में पुर्तगाल के लोगों ने खोज के निकाला था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उससे पहले चीन के लोग इस देश के बारे में कहा करते थे कि ये मड आइलैंड है, यानी कि ये दलदल है जिसका कोई काम नहीं है चीनी सभ्यता में। यही चीन के लोग कभी इस देश को कीचड़ कहा करते थे, और आज वही चीन इस खूबसूरत मुल्क को हथियाना चाहता है। ताइवान रिंग ऑफ फायर जोन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है कि यह देश भूकंप से कभी भी हिल सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में हर साल 1000 भूकंप के झटके आते हैं जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं भाई, यहाँ 17,000 माइनर भूकंप के झटके भी लगते हैं। दोस्तों, टाइनन नाम का एक शहर है इस देश में, जो कि इस देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस सिटी की स्थापना 1590 में ही हो गई थी, जी हाँ, उसी साल जब पुर्तगाल के लोगों ने इस देश को खोज के निकाला था। ताइवान में कैरियोके सिस्टम बहुत पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, इस सिस्टम के मुताबिक सभी के पास अपना एक प्राइवेट रूम होता है, जिसे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रूम में वो वीडियो गेम खेलते हैं, उन्हें जो करना होता है वो करते हैं, और कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि पहले कैरियोके सिस्टम एक क्लब से शुरू हुआ था, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने खुद ही अपने घरों में काम शुरू कर दिया है। इनके मुताबिक आपको अपने आप से बात करने का मौका मिलता है, और 2 घंटे के बाद आप कहीं ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताइवान देश को फेस मास्क कैपिटल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा कहते क्यों है? दोस्तों, यहाँ के लोगों को अपनी स्किन से बहुत प्यार होता है, और वो लोग किसी भी हाल में अपने फेस को सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते, और वो हमेशा ही अपने फेस को मास्क से ढक के रखते हैं। दोस्तों, अगर आप दिन के समय इस देश की राजधानी को देखेंगे तो आपको बहुत ही कम लोग ऐसे नजर आएंगे जो कि रोड पे चल रहे हो। खासकर ताइवान की लड़कियों को गोरी त्वचा बहुत पसंद होती है। यही कारण है कि इस देश में आपको लगभग सभी महिलाएं धूप से बचने के लिए मास्क का उपयोग करती दिख जाएंगे। वैसे बहुत खूबसूरत होती है यहाँ की लड़कियाँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश के लोग किसी को भी कभी भी किसी भी काम के लिए ना नहीं कहते हैं। जी हाँ, यहाँ डायरेक्ट ना बोलने को गलत माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग अगर आपको ये बोलें कि देखता हूँ मैं ऐसा हो पाएगा या नहीं, तो समझ लीजिएगा कि वो आपको इनडायरेक्टली मना ही कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ताइवान देश में 7-Eleven रेस्टोरेंट बड़ा फेमस है। जी हाँ, यहाँ के लोग इस स्टोर का इस्तेमाल न सिर्फ खाना खाने के लिए करते हैं, बल्कि कई स्टोर्स पे तो आपके लिए ट्यूशन की भी व्यवस्था होती है। यहाँ आप खाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, हर देश की अपनी कहानी होती है। जैसे कि हमारे देश में 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, वैसे ही ताइवान में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको कोई भी होटल हो या हॉस्पिटल हो या फिर अपार्टमेंट, 4th फ्लोर वहाँ पे नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि नंबर 4 प्रेत आत्मा को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि हमारे यहाँ कहते हैं सुबह 3 बजे भूतों का वास होता है, लेकिन ताइवान के लोग सुबह 4 बजे प्रेत आत्मा के आने की बात करते हैं। दोस्तों, चूंकि ताइवान देश बहुत साफ सुथरा है और यहाँ पेड़ भी खूब लगे हुए हैं,
इसलिए आपको यहाँ गर्मी के मौसम में दिन में एक बार तो बारिश होती हुई नजर आएगी ही आएगी। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ दिन में जब भी बारिश होती है उसके बाद आपको अचानक ही टेम्परेचर में बदलाव महसूस होता है। दोस्तों इस देश में 2009 में एक भयानक टाइफून आया था जिसका नाम था मोराकॉट। ये इतना भयानक समुद्री तूफान था कि इसमें करीब 700 लोगों की जान चली गई थी और साथ ही 26 लोग गुमशुदा हो गए थे। माना जाता है कि इस तूफान की वजह से $3.3 बिलियन का नुकसान हुआ। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आप इस देश को 8 घंटे में ही पूरा देख सकते हैं। जी हाँ भाई, आप सिर्फ 8 घंटे में इस पूरे आइलैंड को देख सकते हैं, लेकिन ये तब है जब आप अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए निकल जाएं। खुशहाल देशों की बात करें तो ताइवान का नंबर बहुत ऊपर आता है। दोस्तों ये दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में 35वें नंबर पे आता है। कहने का मतलब साफ है कि ये हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया और चाइना से खुशहाल देशों की सूची में कहीं ऊपर है। काफी खुश है भाई यहाँ के लोग, मतलब खुश रहना जानते हैं यहाँ के लोग। भाई हम भी कहते हैं कि भाई आप छोटी मोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप भी जरूर खुश रहेंगे। ताइवान के नागरिकों को अपने काम से बेहद लगाव होता है और ये लोग प्रति सप्ताह कम से कम 70 घंटे अपनी नौकरी या बिजनेस को देते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की महिलाएं भी बहुत मेहनती होती हैं। यहाँ की आबादी की 96% महिलाएं काफी पढ़ी लिखी हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये महिलाएं वर्किंग हैं। यहाँ सिर्फ 4% महिलाएं ही हाउसवाइफ्स हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी महिला किसी पर डिपेंड नहीं करते। दोस्तों इस छोटे से देश में आपको हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो और बसेस की बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है स्कूटर चलाना। जी हाँ, आपको यहाँ पे रोड पे सुबह और शाम सबसे ज्यादा स्कूटर ही नजर आएंगे। ताइवान की संस्कृति की एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे देश की तरह यहाँ भी बुजुर्गों को खूब इज्जत दी जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस देश में दादा दादी से लेकर पोता पोती तक सब एक साथ ही रहते हुए नजर आएंगे। मतलब कि यहाँ के लोग बड़े बड़े परिवारों में रहना पसंद करते हैं, रिश्तों को बहुत इज्जत दी जाती है भाई यहाँ। दोस्तों इस देश की राजधानी का नाम है ताइपे, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। आपको बता दें कि इस शहर में आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि आप किसी छुट्टी वाले डेस्टिनेशन पे देखते हैं। यहाँ आपको 6 वर्ल्ड क्लास नाइट क्लब्स मिलते हैं, साथ ही आपको बहुत कम प्राइस पे होटल भी मिल जाते हैं इस शहर में। दोस्तों ताइवान अगर आपको जाने का मौका मिले तो यहाँ का पोक राइस जरूर ट्राई करें, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। कहा जाता है कि यहाँ का पोक राइस दुनिया का बेस्ट डिश है। कहा जाता है कि इससे बेहतर पोक राइस दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे खाने की ढेरों वैरायटीज मिल जाएंगी। साथ ही आपको यहाँ का रोज आइसक्रीम जरूर खाना चाहिए। ये डेजर्ट यहाँ बहुत पॉपुलर है और काफी स्वादिष्ट भी। ताइवान देश की हवा बहुत शुद्ध और साफ होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की एयर प्योरिटी बहुत हाई लेवल की है और इसका सीधा सा कारण ये है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, इसी वजह से यहाँ गाड़ियाँ कम चलती हैं और ऐसे में पोल्यूशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों ताइवान के लोगों का मानना है कि सफेद कलर निराशा का प्रतीक है। यहाँ के लोग सफेद कपड़ा तभी पहनते हैं जब किसी की मौत हो जाती है। ऑफिसेज में भी आपको कोई भी व्हाइट कलर के ड्रेसेस में नजर नहीं आएगा। बाय द वे आपको बता दें कि यहाँ की शादियों में आपको सब लोग रेड कपड़ों में ही नजर आएंगे। यहाँ रेड कलर को सेलिब्रेशन का प्रतीक माना जाता है। वैसे भाई हमारे देश में भी ऐसा ही है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं और शादी में लाल रंग के। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश में और हमारे देश में बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप यकीन कर सकते हो कि यहाँ की शादियों से भी पहले एस्ट्रोलॉजर लड़के लड़की की कुंडली मिलाते हैं। जी हाँ भाइयों, इतना ही नहीं, वो ये भी डिसाइड करते हैं कि किस दिन शादी होगी और पहले बच्चे का क्या नाम रखा जाएगा। बिल्कुल हमारे यहाँ की ही तरह है ना। ताइवान के लोगों के बीच मछली पकड़ना और उसका एक्सपोर्ट करना एक बड़ा बिजनेस है। साथ ही मुर्गा पालन और सुअर मीट का भी ये देश बड़ा एक्सपोर्टर है। वैसे यहाँ पे बड़े मात्रा में चावल, सब्जियां और फल फूल भी उगाए जाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि ताइवान के लोग बड़े हेल्दी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग औसतन 80 साल जीते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर है। बास्केटबॉल और फुटबॉल यहाँ के लोग हर स्ट्रीट पे आपको खेलते हुए मिल जाएंगे। खेलने से शरीर हमेशा फिट रहता है। ताइवान की सरकार भी अपने लोगों के लिए बहुत लॉयल है। इस देश को मेडिकल फैसिलिटी के मामले में बहुत ऊपर माना जाता है। यहाँ के हर एक नागरिक को सरकार फ्री मेडिकल सुविधाएं देती है। किसी को कुछ भी हो जाए आपको बस एक कॉल करना है और उसके बाद आपका पूरा ख्याल वहाँ की मेडिकल टीम रखेगी। काश ये दिन हमारे देश में भी आ जाए, लेकिन हमारी आबादी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हर साल ताइवान में फ्लाइंग फिश फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के लोग कम से कम 6 से 7 अलग अलग तरह के फिश करी बनाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये फेस्टिवल एक हफ्ते तक चलता है और इसमें यहाँ के लोग एक दूसरे को अपने घर पे इनवाइट करते हैं और उन्हें तरह तरह का खाना खिलाया जाता है। ताइवान की करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है, जो लगभग 2.5 भारतीय रुपए के बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये था ताइवान। कैसा लगा आपको हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हो वहाँ, बताइए जरा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा।
फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।